हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है अपने कॉलेजेस के लिए, जो कि लो बजट के कॉलेजेस हैं और लो कट ऑफ के भी कॉलेजेस हैं। उन्होंने अपने राउंड फर्स्ट का रिजल्ट रिलीज कर दिया है। तो अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहाँ की बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए क्या कट ऑफ रही है वहाँ के कॉलेजेस के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेट कॉलेजेस की भी मैं बताऊंगा कितनी वहाँ पर कट ऑफ है, कितनी फीस इंक्रीज हो चुकी है, और एक ऐसा कॉलेज जिसकी की बिल्कुल भी ना के बराबर फीस हुआ करती थी, इस साल उसकी फीस को बढ़ा के सीधा 22 लाख कर दिया गया है। 25 लाख कर दिया गया था, लेकिन उसको कम करके अभी 22 लाख पर है। बताऊंगा मैं वो सारी चीज़ें वीडियो में। लाइक कर देना अब अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को इसी तरीके की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए। और अच्छी बात, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा या फिर हो सकता है कि नहीं पता हो कि कर्नाटका स्टेट के लिए सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन इस साल कुछ अलग होने वाला है। वो क्यों होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके लिए अगर हम वीडियो बनाते हैं तो पूरा इन्फॉर्मेटिव होता है, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं और पर जाने की। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्टार्टिंग में दिखा होगा, अभी भी दिख जाएगा और आगे वीडियो में भी आपको दिखता रहेगा। तो आप हमें कॉन्टैक्ट पेड काउंसलिंग के लिए कर सकते हो, हम आपकी काउंसलिंग बड़े आराम से कर देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो। जहां पर भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगे आप उस वहीं पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जैसे जैसे ये चैनल ग्रो होगा उसी बेटर क्वालिटी और कॉन्टेंट के साथ आपको वीडियोज यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं सबसे हाई कट ऑफ के कॉलेजेस की बात करेंगे। ऐसे मेडिकल कॉलेजेस जो कि कर्नाटका स्टेट के टॉप कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, यहां पर 2023 में फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 630 मार्क्स और 14025 यानी कि 14025 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड के अंदर। लेकिन 2024 में देखो 681 मार्क्स और 6691 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये कॉलेज अलॉट हुआ है। इतने रैंक के ऊपर तो आपको यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते थे बड़े आसानी से। और कितनी हाई कट ऑफ यहाँ पर रही है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये बात मैं कर रहा हूँ वो कट ऑफ जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए रही है यहाँ के कॉलेजेस के बारे में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस बच्चे को अगर इंडिया के बाकी किसी भी कोने में एक अच्छा और टॉप कॉलेजेस मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर आप चेक करो कि ये कॉलेजेस में उन्होंने एडमिशन लिया है इतनी कट ऑफ के ऊपर। अब आप ये चेक कर सकते हो, जो कि पिछले 5 दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट के बीच में इनसिक्योरिटी है और वो चाह रहे हैं कि उनको कोई भी कॉलेज बस अलॉट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा टॉप मोस्ट कॉलेजेस कैंपेगौड़ा IMS बेंगलोर का। 605 मार्क्स थी 2023 के फर्स्ट राउंड में, 26379 रैंक। लेकिन 2024 में आप चेक करो 652 मार्क्स और 24675 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुई है। स्कोर आप चेक करो कि लगभग यहां पर 47 मार्क्स ज्यादा है। इसके अलावा 47 मार्क्स ज्यादा है, रैंक चेक करो आप 26379। तो जिस बच्चों को ये डाउट है या फिर ये एक कॉन्फिडेंस है कि लास्ट ईयर जिस रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था उतने रैंक पर तो होगा ही, तो एक बार फिर मैं एक पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर आपको मैंने ये प्रूफ दिखा दिया है कि यहाँ पर 26,000 रैंक से ज़्यादा रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन इस साल 24,675 रैंक, जो कि लगभग 1500 से ज़्यादा रैंक का डिफरेंस है फर्स्ट राउंड की रैंक के बीच में। तो ये आप क्लियरली देख सकते कि इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को यहाँ पर मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बाकी कॉलेजेस के बारे में, और उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि लो कट ऑफ किसकी रही है। ये तो दो कॉलेजेस थे जिनकी सबसे हाई कट ऑफ रही है, जिनका टारगेट है कि हम इन कॉलेजेस में जाएं, तो ये कट ऑफ आप चेक कर सकते हो। ऑब्वियसली सेकंड राउंड में ड्रॉप होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी कट ऑफ हाई जानी थी सभी स्टेट्स और ऑल इंडिया कोटे की वो फर्स्ट राउंड में जा चुकी है। बाकी आने वाले राउंड्स में कट ऑफ ड्रॉप देखने को मिलेगी। बात करते हैं बाकी कॉलेजेस के बारे में, करते हैं कर्नाटका के वो कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ सबसे लो रही है। तो ये देखो श्री चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज जो है रामनगर के अंदर है, 542 मार्क्स लास्ट ईयर, 70217 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुई थी फर्स्ट राउंड के अंदर। लेकिन इस साल 612 मार्क्स 63534 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो रैंक के अंदर भी आप डिफरेंस देख सकते हो, लगभग 6000 से ज़्यादा रैंक का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस पे आप चेक कर सकते हो, ऑब्वियसली स्कोर में तो काफ़ी ज़्यादा है ही। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे लो कट ऑफ वाला मेडिकल कॉलेज जो कि नया कॉलेज है, SR पाटिल मेडिकल कॉलेज बागलकोट के अंदर, जो कि नया मेडिकल कॉलेज है। तो 2023 की कट ऑफ तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 2023 में तो ये था ही नहीं, इस साल नया ऐड हुआ है। तो 611
स्कोर के ऊपर और रैंक है 64,851 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये था सबसे लो कट ऑफ वाला मेडिकल कॉलेज। कर्नाटका स्टेट की बात करें और 64,851 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुआ है नया मेडिकल कॉलेज। बात करते हैं कुछ और रूल्स की भी, मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट रूल्स है और जो गुड न्यूज आपके लिए है उसके बारे में भी। बट फिलहाल बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी कि उनकी कट ऑफ कहाँ तक क्लोज हुई है और क्या आपके चांसेस हैं, और ये कॉलेजेस आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे श्री मधुसूदन साई जो मेडिकल कॉलेज है, जो कि फ्री का मेडिकल कॉलेज था। वहां पर आपको एक जोड़ी कपड़े लेके जाना था और आपको MBBS की डिग्री मिलनी थी। लास्ट ईयर तक ऐसे दावे थे लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। कट ऑफ इसकी थी लास्ट ईयर 605 मार्क्स और 26,179 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुई थी, लेकिन इस साल 644 मार्क्स से 32,034 ऑल इंडिया रैंक है। अब रियलिटी इसकी ये है कि लास्ट ईयर इसकी फीस थी ओनली 750 रुपीज, जो कि एक फॉर्म फिलिंग के चार्जेस थे या फिर ये कह लो कि प्रोसेसिंग चार्जेस थे 750। इसके अलावा आपसे कोई किसी भी टाइप की कोई भी फीस नहीं ली जा रही थी, लेकिन इस साल आपकी फीस है 22 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग इसकी फीस है, लेकिन फिर भी 644 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ऐसे वो स्टूडेंट जिनके लिए यही इन्फॉर्मेशन थी कि ये कॉलेज फ्री में अलॉट होगा तो उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 25 लाख रुपए इनकी फीस करी गई थी, लेकिन फिर थोड़ी सी 3 लाख रुपए कम करके 22 लाख रुपए पर ईयर के अकॉर्डिंग इसकी फीस कर दी गई है। तो अब इंडिया में कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जिसकी की फीस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो, यानी कि जो फ्री में MBBS करवाता हो। ये एक मेडिकल कॉलेज था लास्ट ईयर श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ चिक्कबल्लापुरम का, लेकिन इस साल इसकी भी फीस 22 लाख रुपए हो गई है क्योंकि था तो ये प्राइवेट कॉलेज ही। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगा वीडियो। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ सबसे लो रही है, इसके बाद में आपको मैं रूल्स भी बताता हूँ। मुद्दे पे आने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो गुड न्यूज़ की मैं आपको आपके लिए बात कर रहा था कर्नाटका स्टेट के लिए, तो अच्छी बात यह है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं कर्नाटका स्टेट के लिए, ऐसे ही केरला के लिए भी, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि फर्स्ट राउंड में यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होती है कर्नाटका स्टेट के अंदर। अगर तो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की तो आगे आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा हमेशा होता है कर्नाटका स्टेट के लिए। लेकिन इस साल ऐसा होगा कि अभी नए मेडिकल कॉलेज ऐड होने वाले हैं सेकंड राउंड में, तो आपके लिए चॉइस फिलिंग ओपन हो सकती है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना कि सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग ओपन हो सकती है, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, अब क्योंकि मान लो कि उन्होंने टॉप 10 में से कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो नीचे वाले जो 11 से बाद के जितने कॉलेजेस थे वो तो हट जाएंगे, बाकी जो ऊपर 9 कॉलेजेस हैं वही वो रख सकते हैं, यानी कि वही उनकी चॉइस फिलिंग रहेगी सेकंड राउंड में। तो बाकी वो नए कॉलेजेस तो नहीं डाल पाएंगे, हो सकता है किसी को जाना हो, तो फिर अगर नए कॉलेज ऐड होते हैं तो उनकी चॉइस फिलिंग के लिए उनको चॉइस फिलिंग ओपन करनी पड़ेगी उसकी विंडो, तो ये बाकी स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो आपके लिए सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग ओपन हो सकती है। तो जिन भी स्टूडेंट और पेरेंट्स को ये डाउट था कि हमने पहले राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की, तो सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना या फिर कॉन्टैक्ट कर लेना हमें इस नंबर के ऊपर पेड काउंसलिंग के लिए, ताकि हम आपके लिए आपका जो फंक्शन वाला काम है वो कर पाए, आपकी काउंसलिंग ईजिली कर पाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट्स को यही पता होता है कि सारे स्टेट्स जहां पर भी काउंसलिंग होती है उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो ऑल इंडिया कोटे वाले होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हर स्टेट के अलग अपने रूल्स होते हैं, अलग तरीके से वहां की काउंसलिंग चलती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपकी काउंसलिंग कर पाए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा यहां तक, और मैं अजय शर्मा ASNET की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता रहता हूं, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर हेल्पफुल लगते हैं वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। मुद्दे पे आते हैं वापस, तो कि सबसे लो कट ऑफ वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज PES यहाँ पर ठीक से नोट नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पर आपको नोट करके दिया। PES मेडिकल कॉलेजेस बेंगलोर का है, दोनों नए मेडिकल कॉलेज हैं, तो यहाँ पर 2023 की कट ऑफ मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि नया मेडिकल कॉलेज है, 2024 में ही एड हुआ है, लेकिन इसकी कट ऑफ जो रही है 543 मार्क्स और 1,46,769 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये क्लोज हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर। तो कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप है, यही वो कॉलेज है जिसकी कट ऑफ सबसे लो है कर्नाटका स्टेट के अंदर प्राइवेट की बात करें तो। नेक्स्ट आता है नया मेडिकल कॉलेज BGS मेडिकल कॉलेज बेंगलोर का, दोनों बेंगलोर के हैं, ये भी नया मेडिकल कॉलेज है, इसकी कट ऑफ थी 565 मार्क्स और 1,19,095 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो ये थी एक लो कट ऑफ वाला स्टेट, लो बजट वाला स्टेट आप कह सकते हो, लेकिन कट ऑफ के मामले में ये बिल्कुल भी लो इस साल रहा नहीं है। बाकी आप
हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको टॉप कॉलेजेस जो कि अलॉट हुए हैं, कितने मार्क्स और रैंक के ऊपर अलॉट हुए हैं लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके बता दिया। अब बाकी कॉलेजेस जितने भी थे वो तो इस स्कोर के बीच में जितना भी स्कोर था उसके ऊपर अलॉट हो ही गए हैं, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया था वो कर ही सकते हैं। बाकी अच्छी बात मैंने आपको ये बताई कि सेकंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग ओपन हो सकती है, तो जिनको आइडिया नहीं है या फिर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करी थी वो सेकंड राउंड के लिए तैयार हो सकते हो। हम आपको अपडेट कर देंगे इस चैनल के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, बाकी पूरी काउंसलिंग में आपकी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ। अगर थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।